मार्केट में जो प्रास यानी च्यवनप्राश आपके मिलते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, क्या है वो आपके लिए कह सकते हैं 70% शुगर वाले हैं, आपको डायबिटीज और बढ़ा देंगे। साथ में वो आपकी सर्दियों में यूज किए जाने वाले प्रास है, लेकिन अपना प्रोडक्ट जो है डिजाइन किया गया है गर्मियों में स्पेशली लेने के लिए, क्योंकि इसके 10 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट में 500 mg ऑफ आप कह सकते हैं आपका आंवला है। सर्दियों में तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है, मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, कफ को बाहर निकालता है। गर्मियों में जो गर्म गर्म तासीर की बाकी चीजें आप यूज कर रहे हैं उसकी गर्माहट को एब्जॉर्ब करता है, और आपकी नाक से खून निकलना, सर चक्कर आना या हथेली पंजे जलना, ये तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। ब्राह्मी दिमाग को चुस्त करता है, गिलोय आपके बुखार की समस्या को दूर करने में मदद करता है, शंख पुष्पी मेधाय रसायन मेमोरी बूस्ट करता है, पितारिकन सीने की जकड़न को दूर करता है, पान की पत्तियां भूख बढ़ाती है, सफेद मुसली हार्मोन्स को हार्मोन्स की प्रोडक्शन बेटर करता है, साथ में अजवाइन आपकी गैस की समस्या को दूर करने में मदद करता है, एप्पल के अंदर पेक्टिन नामक तत्व होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ में काजू बादाम ये आपके प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं, साथ में सौंठ सांस संबंधी समस्याएं दूर करता है, काली मिर्च गले में खुजली दर्द या इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है, लौ भस्म खून पतला करते हैं, और ये सारी चीजें मिक्स की गई हैं गाय के शुद्ध देसी घी में जो कि आपकी हड्डियां मजबूत करता है। बहुत ही बेनिफिशियल, ये रोज आपका खाने के बाद एक चम्मच जरूर होना चाहिए। बच्चों को इसकी आदत जरूर डलवाएं, क्योंकि एक बार उन्हें आदत लग गई तो समझ लीजिए आप नींव मजबूत करने का काम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, और आपको तो खैर है ही जरूरत, क्योंकि ये आपके शरीर में जो भी एंटीऑक्सीडेंट डेवलप हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल करता है, भूख को बेहतर करता है, एक स्टेबिलाइज भूख देने में मदद करता है, नॉर्मल रूटीन फंक्शंस के लिए इसका यूजेज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका ओके, अब बात आती है आपके बारे में, बहुत जरूरी आप ही के बारे में है। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, मैंने